हॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन तो शायद याद होगी आपको, जिसमें वो साइकिल पर घूम घूम कर महिलाओं को सैनिटरी पैड के इस्तेमाल के लिए जागरूक करते हैं। ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश का भी एक युवक अपने भविष्य को ताक पर रखकर महिलाओं को जागरूक करने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर साइकिल पर हजारों मील यात्रा कर रहा है। किशोरियों को गंदा कपड़ा छोड़कर पैड की अहमियत समझा रहा है, सैनिटरी पैड का उपयोग ना करने के नुकसान भी गिनवा रहा है और सरकार से मांग कर रहा है कि महिलाओं को सैनिटरी पैड मुफ्त उपलब्ध कराए जाएं। महिलाओं के प्रति सुरेंद्र बामने की जागरूकता मुहिम में साथ देने के लिए श्रेष्ठ भारत के संवाददाता अभिनव उपाध्याय भी पहुंचे और जानने की कोशिश की आखिर उनकी इस मुहिम के लिए उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली। सुरेंद्र बामने, ये नाम है एक ऐसे युवक का जिसने अपनी मुहिम के लिए पढ़ाई को भी ताक पर रख दिया। मुहिम ऐसी जिसकी ज़रूरत देश को बहुत ज़्यादा है। पैडमैन फिल्म का नाम आपने सुना होगा, अक्षय कुमार ने इसमें अभिनय किया था। उसी मुद्दे को लेकर के 5200 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं सुरेंद्र बामने और जगह जगह छोटे छोटे गांव जा रहे हैं, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, गंदे कपड़े से बचने की सलाह दे रहे हैं, साथ ही साथ सैनिटरी पैड के इस्तेमाल के लिए लोगों को बता रहे हैं कि इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि बेहतरी से ये जानते हैं कि यदि सैनिटरी पैड का इस्तेमाल महिलाएं नहीं कर सकती हैं तो भविष्य में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को। ऐसी मुहिम को लेकर के सुरेंद्र निकले हैं। सुरेंद्र, सबसे पहले तो आपकी इस मुहिम को हम सलाम करते हैं। कैसे आपको ये आइडिया आया कि ये करना है आपको? मेरा नाम सुरेंद्र बामने, मैं जिला नर्मदापुरम का रहने वाला हूँ। मैं 2021 में मुंबई से इटारसी के लिए आ रहा था ट्रेन में, तो मैंने एक भीख मांगने वाली लड़की को पीरियड टाइम में परेशान देखा। उस टाइम मैंने उसकी मदद की। उसके बाद मैंने कुछ जानकारी ली, डॉक्टरों से ली और कुछ मेरे फ्रेंड वगैरह उनसे जानकारी ली, तो मैंने देखा कि सर्विकल कैंसर से भारत में कम से कम लाखों महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, जैसे कि और 40,000 मृत्यु कम से कम गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से होती है, जो सैनिटरी पैड के बजाय गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती है महिलाएँ। उसके बाद मैंने 2022 में ग्रामीण क्षेत्र में जाकर महिलाओं को जागरूक किया। मैंने देखा कि महिलाएं आज भी जागरूक नहीं हैं। और 2023 में मैंने एक पैदल यात्रा भी की ग्रामीण क्षेत्र में ही, हमारे जिला नर्मदापुरम में सिवनी मालवा विधानसभा में, तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से मिला हूं। और फिर अभी मैंने साइकिल यात्रा शुरू की है 6 दिसंबर 2023 से जिला नर्मदापुरम से। अभी तक मैं 46 जिले में 5200 किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूं और भोपाल पहुंचा हूं। अपनी मुहिम को गति देने के लिए सुरेंद्र बामने नाम के इस युवक ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा हो ना सका। युवक का दावा है कि मिलना तो दूर, डॉक्टर मोहन यादव की पुलिस ने तो उसे इस साइकिल समेत भोपाल की सीमा से दूर छोड़ दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने की कोशिश की थी इन्होंने, मुख्यमंत्री के बंगले पर पहुंचे थे, लेकिन पता चला कि वहां से पुलिस वालों ने इन्हें इनकी साइकिल समेत बिठाया और भोपाल ज़िले की सीमा पर ला करके करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर ला करके छोड़ दिया। ये क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या सबक मिला आपको इससे? सर, इससे तो सबक मिला है कि शायद मुख्यमंत्री जी मिलना नहीं चाहते और कोई भी लोग जो भी हो, शायद मेरी मुहिम से उनको लगता है कि अगर योजना लागू करना पड़े तो लाखों रुपए का बजट बनाना पड़ेगा, तो इस वजह से अभी शायद सरकार मिलने से मना कर रही है। लेकिन मेरा ज्ञापन है वो पहुंच चुका है सरकार तक। अब देखता हूं कि आगे क्या फैसला लेती है सरकार। अभी मेरी यात्रा चालू रहेगी, अभी मैं जिन जिलों में नहीं गया हूं सभी जिले से होते हुए एक बार फिर से सीएम जी से मिलने के लिए भेंट करूंगा और आवेदन भी दूंगा और अप्रैल में मैं फिर से भोपाल आऊंगा। इतना सब होने पर भी मोहन यादव सरकार सुरेंद्र के हौसले पस्त नहीं कर पाई। सुरेंद्र ने अगले ही दिन से फिर अपनी जागरूकता साइकिल यात्रा शुरू कर दी। सरकार से मिली उपेक्षा के बाद भी सुरेंद्र के हौसले चट्टान की तरह बुलंद है। मुख्यमंत्री के बंगले से पुलिस ने गाड़ी में बिठाकर साइकिल समेत 20-25 किलोमीटर दूर आपको ला करके छोड़ दिया और मोबाइल भी आपका बंद कर दिया, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो कल सीएम हाउस पहुंचना वाला था, मेरे साथ जो भी लोग आए थे, महिलाएं भी आई थी, सभी चाहती थी कि सीएम हाउस तक जाए और आवेदन दे, क्योंकि ये मेरे अकेले की मांग नहीं है, प्रदेश की सभी महिला और सभी बालिकाओं की मांग है। पुलिस प्रशासन को तो ऊपर से जो मिलता है जी, तो उनके हिसाब से उन्होंने कार्रवाई की होगी और अब देखते हैं आगे क्या होता है। कोई ऐतराज नहीं इनको पुलिस की कार्रवाई से, क्योंकि जिस मुहिम पर निकले हैं साइकिल चलाना है, 50 से 60 किलोमीटर साइकिल चलाना है, खाना मिल गया तो खा लेना है, नहीं मिला तो किसी भी तरह से गुजारा करना है। सुरेंद्र बामने की इस सार्थक पहल का सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। खुद स्कूल की प्रिंसिपल ने भी सुरेंद्र की इस मुहिम को जमकर सराहा और उनके इस कदम का स्वागत किया और उन्होंने बताया कि कैसे मौजूदा हाल में स्कूल में लगी मशीन में 5 रुपए डालने के बाद बच्चियों को पैड मिलते हैं।
लड़कियों के लिए 70 बेड की व्यवस्था यहाँ पर है, लेकिन फ्री में नहीं सप्लाई होती सर। हम मंगा के इसमें उसमें मशीन में डाल देते हैं, जब उसमें 5 रुपये डालती हैं लड़कियाँ तब वो पेट निकलता है। मैंने और दूसरे स्कूलों से यहाँ से आई ना, वहाँ पर तो फ्री मिलते थे। यहाँ पर दो तीन बार मैंने कॉन्टेक्ट किया, लेकिन वो लोग यहाँ नहीं देते। एक बार कोई दे गई थी, बाहर से कोई आई थी एनजीओ वाले, बाकी इसके बाद नहीं दिया किसी ने। एनजीओ दे गई, सरकार नहीं देती? हाँ, एनजीओ दे गई थी एक बार बस, वो भी कुछ दे गए थे, बाकी सरकार ने तो पता नहीं देती यहाँ पर तो। आपने कभी कोशिश की कोई लिखित पत्र? कोशिश की, पहले स्कूल में देखे बॉडी भर के देखे आते थे सर, यहाँ पर तो नहीं दे आते हैं। मैंने मेरे को आए हुए कम समय हुआ, लेकिन मैंने कोशिश की थी, जो आती ना हॉस्पिटल से टेबलेट वगैरह देने या कुछ के लिए यहाँ पर आती, तो उनसे मैंने बोला था सर। अभी आपने सुना एक युवक यहाँ पर इसके लिए अभियान चला रहे हैं, क्या आप चाहेंगी इस अभियान के बारे में कुछ कहना? वो चाह रहे हैं कि निःशुल्क मिले। हाँ सर, वो उस व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी को दाव में, अपना भविष्य को दाव में ला कर ये प्रयास कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल है सर। तो मैं तो चाहती हूँ सर कि गाँव ज़रूरत है ना, ज़्यादातर ग्रामीण बच्चों को है सर, ये शहर में तो सब सुविधा दे रहे थे, ग्रामीण बच्चों को बहुत ज़रूरत है। तो मैं तो चाहती हूँ सर कि निःशुल्क मिले यहाँ पर, और यहाँ तो बहुत लड़कियों की आवश्यकता होती है सर, ये बहुत अच्छा प्रयास है और मिलना चाहिए सर। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता अभिनव उपाध्याय ने वहाँ मौजूद स्कूली बच्चों से भी बात की, तो उनका क्या कहना था आइए जानते हैं। कुछ बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, बेटा आपको पीरियड्स के बारे में जानकारी कैसे मिली आपको? हम लोग को स्कूल में मैम मतलब कि आए थे यहाँ पर पीरियड्स के बारे में बताने के लिए, कुछ मैम आई थी और उन लोगों ने हमें बहुत कुछ समझाया भी। अच्छा, घर 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 में नहीं मिली जानकारी? घर में भी मिली, घर में मम्मी ने बताया। अच्छा, और बच्चियों से बात करती हूँ, बेटा आप बताइए कि आपको पता है कि किस तरह के नुकसान होते हैं यदि पैड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो? कपड़े यूज़ करते हैं तो कुछ फजील टाइप की होती है बीमारी, भविष्य में होने का खतरा, ये बताया मैडम ने या मम्मी ने? हाँ, बताया था मैम ने और मम्मी ने बताया था। पापा से इस बारे में बात नहीं होती? नहीं। यही विषय में बताने की कोशिश कर रहा था कि अभी हमारे समाज में आज भी पिता जो है घर के किसी पुरुष से बच्चियां जो हैं वो इस सब्जेक्ट पर खुल के बात नहीं करती हैं, और शायद यही वजह है कि इस पर पैडमैन जैसी फिल्म बनी, और यही वजह है कि एक युवा जो है एक जागरूकता अभियान को के लिए प्रदेश भर में निकला हुआ है। मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की थी, मिल नहीं पाया। हम कोशिश करेंगे कि हमारी इस खबर के ज़रिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक ये बात पहुंचे, और मोहन यादव भी इस मसले पर कोई फैसला लें कि तमाम युवतियों को सैनिटरी पैड जो है वो निःशुल्क मुहैया करवाया जाए। अभिनव उपाध्याय, श्रेष्ठ भारत, भोपाल। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।